बंद करके इस चीज़ के ऊपर जो मोहर लगा दिया। अब इस विसंगतियाँ में यही विसंगति हमने सरकार के सामने रखी है, जो ये विसंगति सरकार को बिल्कुल बारीक से देखना चाहिए और इसको ऊपर निर्णय लेना बहुत जरूरी है। नहीं, आज प्रधानमंत्री ने जो कहा है लाल किले से, क्या आप उससे संतुष्ट हैं क्या? उससे अगर संतुष्ट नहीं है तो आगे की कार्रवाई आप क्या करोगे? देखो, किस तरीके का स्टेप उठाओगे? प्रधानमंत्री ने आज जो ऐलान किया है उसके ऊपर कोई जेसीओ जवान, जो हिंदुस्तान के अंदर जो भी जेसीओ जवान, आप जो पूर्व सैनिक है, जो जेसीओ जवान आज सेवारत है, ये कोई इंटरेस्ट नहीं है। मतलब कोई भी इसी के ऊपर जो सहमत नहीं दे रहा है, इसलिए नहीं दे रहा है, सर्विंग वाला अपना मुंह नहीं खोल सकता है, जो कि वो ऐसे बंधक में लगे हैं। लेकिन पूर्व सैनिक है, हम इसका आवाज़ उठाना जरूरी है। हम इसका आवाज़ उठा के जाएंगे और हम सख्ती से इसको ऊपर पेश आएंगे। आने वाला टाइम पर हमारा जब यहाँ का जो एक्शन और तेज गति से आगे बढ़ेंगे। ठीक, आप सर कहाँ से हैं? सर आप कहाँ से आए? सर से आप कहाँ से हैं सर? आज बड़े मेडल सेडल लगा कर आए हैं। पालम से है सर। पालम से आए सर। अच्छा, पालम से आए। और क्या जो आज लाल किले पे प्रधानमंत्री ने भाषण किया, आपने सुना है क्या? मैंने नहीं सुना है, लेकिन अभी जो ऑन सर्विस जो बंदा है वो तो कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन नहीं, ऑन सर्विस वाला तो नहीं बोल सकता है, लेकिन बाकी वाले तो बोल सकते हैं। हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि उनको अभी इस चीज़ का ज्ञान नहीं है। अच्छा, हाँ, वो अभी उस दौर से गुजरे नहीं थे ना, इसलिए उनको ज्ञान नहीं है। अभी जैसे इन्होंने पहले बोला था कि बहुत सी आपके साथ जो वन रैंक में जो विसंगतियाँ हुई हैं, हाँ जी, तो उसमें एक मैंने सुनना है, जो आप जहाँ पर बोलते हो कि जो हमें पे फैक्टर जो है वो ठीक नहीं दिया है, तो उसमें क्या क्या है, कैसे है आपका पे फैक्टर? अफसर को बोलते हैं कुछ दिया है, जॉन को, जेसीओ को कुछ दिया है? पे फैक्टर का तो हिसाब का तो बहुत ही चौपट है। अच्छा, क्योंकि क्या है, जेसीओ जॉन को क्या मिला है? बाजी बाजी को तो मिला भी नहीं है। अच्छा, बाजी बाजी को लिए बहुत हो गई। मतलब ये सोचो कि सुधार से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन तक, सुबेदार मेजर तक, किसी को कुछ भी नहीं, कुछ भी जेसीओ को तो स्पेशल, ठीक है, स्पेशल जो जेसीओ रैंक है ना, हाँ, इसको नहीं, तो कुछ भी नहीं मिले। ठीक है स्वामी सर, आप बताइए इसके पे फैक्टर के बारे में क्या है ये पूरा इसका, जैसे बोल रहे हैं कि जेसीओ रैंक वगैरह को नहीं दिया गया है, तो इसका क्या है पूरा? जेसीओ रैंक का साथ में बहुत बड़ा छल हुआ है, सोची समझी साजिश का साथ में किया गया तो रैंक गायब है उसका, ठीक है, वो इसलिए किया गया है जो आधे जेसीओ के तो रैंक ही गायब है उसमें। नहीं नहीं, जैसे पे फैक्टर सुना है कि अफसर को जो है 2.8 बन दिया है और जवान को जो है वो दिया है 2.57 के हिसाब से। वो तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ, 2.81 जो अफसरों को दे दिया हमारे 2.57 पे, 2.57 जो सर्विंग का बात बताना पड़ेगा इसका सबसे पहले। हाँ, सर्विस का वही है ना, थोड़ा अलग अलग है ना, ठीक है, क्योंकि उसी में जो पे कमीशन आउट हुआ है 2015 दिसंबर महीने में जो बेसिक थे, उस बेसिक के ऊपर 2.57 का बढ़ोतरी करके 2016 का जनवरी का जो पेंशन को फिक्स किया गया है। तो ऐसे में जो सेना का, आओ साहब बैठो, राम राम। तो सेना का तीनों मुखिया ने इसको लेने में मना कर दिया, उन्होंने बिल्कुल लेने के लिए मना करने के बाद सरकार को गुमराह किया, सरकार को कहा हम जो सेना के अंदर अधिकारी बनने के लिए कोई अधिकारी तैयार नहीं होते हैं और युवा आकर्षित नहीं है, सेना में अधिकारी बनने के लिए आकर्षित नहीं हो रहा है, जो कि साख सुविधा और सेना के अंदर अच्छे नहीं है, इसलिए बढ़ोतरी होना पड़ेगा, तब जाके बंद कमरा में एक साल तक बातचीत होने के बाद जो बढ़ोतरी किया, जो जेसीओ जवान भी आशा करके बैठे थे सर्विंग वाला, हमारा भी कुछ बढ़ोतरी होंगे, हमारा तीनों सेना प्रमुख ने जो सरकार के साथ बातचीत करा, लेकिन एक साल के बाद आउट कर दिया, उस टाइम पर अफसरों का 2.81 हो गया, जो अब जेसीओ जवान का 2.27 को ही रखा गया। अब जाके जो ROP2 जब जनवरी में जो आउट हो गया, उस टाइम पर जो अफसरों का 2.81 के हिसाब से बढ़ोतरी किया गया है, मतलब पेंशन वाले को, तब जाके तब पीछे से जो भी उनको 2019 से लेकर जो एरियर बनता है, बहुत अच्छा एरियर भी बना, बहुत अच्छा पेमेंट भी बना, जो 12,000 से लेकर 24,000 रुपये तक का बढ़ोतरी एक महीने का है और 4.5 लाख रुपये से लेकर 8 लाख तक का बढ़ोतरी उनका एरियर में भी आ गया, तो जितना भी पैसा अगर आया हुआ है उसमें से 85% फंड तो चला गया अफसरों के खाते में
उसके बाद हमारा जेसीओ रैंक के पास आ गया तो उनको डीपी में दिखा दिया, रिफंड दिखा दिया, जो कि बोला पहले से ही ज़्यादा ले रहा है, जो कि 2018 का बेस ईयर लगा हुआ है, 2018 का बाद जो पेंशन आता है उनका पेंशन क्या है वही पेंशन को 2018 के पहले वालों को दिया जाएगा। तो ऐसे में आप देखा जाएगा तो 2018 के बाद जो भी पेंशन हुआ है, 2018 के बाद 2023 के बीच में जो भी पेंशन होता है, 4-5 साल हो गया, उसके लिए एक नया पैसा नहीं बनता है। और जो 2014 का बाद जो पेंशन आया हुआ है जो प्रीमेचर, उसके लिए भी कोई पैसा नहीं बनता है। जो जेसीओ रैंक है उसके लिए कोई पैसा नहीं बनता है। और जो जेसीओ रैंक का जो अभी फैमिली पेंशन रहा है इसमें तीनों में, उनको भी कुछ नहीं बनता है। बना हुआ है सिर्फ सिपाही से लेकर हवलदार तक मामूली सी जो बढ़ोतरी करके दिखाया है, 800 रुपये से लेकर 1400 रुपये का बढ़ोतरी है महीने का। और जो फंड देखा जाएगा तो इसी में से आपको पता है एक 28 लाख फौजियों में से कम 4-5 लाख फौजियों को ही कुछ बेनिफिट मिला है, वो भी सिपाही से लेकर जो हवलदार तक का जो भी बढ़ोतरी है। बहुत बड़ा छल, बहुत बड़ा धोखा जो ये जो टेबलों में किया है। हम लोगों ने माननीय जो एमपीओं का हाथ में एक मेमोरेंडम सौंपा था 30 अप्रैल को, उस मेमोरेंडम के अंदर हमारा फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन ने बनाया हुआ मेमोरेंडम थे, वो उस फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन यही पर जन्म लिया है। उस मेमोरेंडम के अंदर विस्तार विवरण के साथ में हमारा